सैदपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी गैंग के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गिरोह पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर में सक्रिय था। इसके सदस्य बाइकों के नंबरों में हेर फेर के साथ चेसिस व इंजन नंबर को बदलने मिटाने का काम करते थे और फिर उसे औने पौने दाम पर बिहार में ले जाकर बेच देते थे। पुलिस कप्तान डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सैदपुर से चंदौली जाने वाले पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान शिवम श्रीवास्तव, राहुल वर्मा, विशाल वनवासी, महबूब अली, राधेश्याम यादव और नितेश सिंह को चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 4,10,000 रुपए आकी जा रही है। कितने सदस्य हैं इसको और क्या रिकवरी हुई? ये जनपद गाजीपुर की पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। ये 6 बदमाश हैं जो गाड़ियों को उठा करके उनके चेसिस नंबर को टेम्पर्ड करके और कागज को चेंज करके बिहार में सप्लाई करते थे गाड़ियां। चेकिंग के दौरान इनको अरेस्ट किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो 8 मोटरसाइकिलें इसमें बरामद हुई हैं, जिसमें 6 कनेक्ट हो चुकी हैं, 2 के कनेक्ट होने का प्रोसेस चल रहा है और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। इनसे इनके जो हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है और इनके जो नंबर्स हैं, ये दिन के और भी एसोसिएट्स होंगे। इसमें जो जो लोग इनसे गाड़ियां लेते थे, जो इस धंधे में शामिल थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पूछताछ करके इस गैंग के और भी अगर कोई एसोसिएट्स होंगे तो उनको पता लगा करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनकी पूर्व में क्रिमिनल हिस्ट्री भी है जो लगा दी गई है और मैं समझता हूं कि इनकी गिरफ्तारी से जनपद गाजीपुर में जो ऑटो लिफ्टिंग का, बाइक की चोरी का जो एक सिलसिला था, उसमें थमने में सहायता मिलेगी। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। ये इस बात की संभावना रहती है कि मोटरसाइकिल का प्रयोग अपराध को पारित करने में भी कर सके, क्योंकि कम दाम में ही इनको बेच दिया करते थे। 10,000 से 12,000 रुपए में इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिलों को सेल करते थे। तो निश्चित रूप से ऐसी मोटरसाइकिलें अपराध में यूज होती हैं और उसका भी हम लोग छानबीन करेंगे। अगर कहीं किसी अपराध में संलिप्तता पाई जाएगी तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। 10,000 रुपए कैश रिवार्ड मेरी तरफ से इस टीम के गुरुवार के लिए दिए। सर, इसे आठवीं भूमिका हो सकती है? आठवीं की जाएगी। इनके नंबर्स को खंगाला जाएगा। अगर कोई सरकारी कार्यालय भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम गिरफ्तार बदमाशों के बाकी नेटवर्क की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा सैदपुर कोतवाल रविंद्र भूषण मौर्य समेत गिरफ्तार करने वाली पूरी टीम को 10,000 नकद पुरस्कार की घोषणा भी कर चुके हैं। बरामद मोटरसाइकिलें गाजीपुर समेत आसपास के जनपदों से चोरी की गई थी। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।